अगर किसी को मेरी स्पर्म्स की जरूरत हो तो जी एक सोशल कॉज के लिए डेफिनेटली करूंगा आज की तारीख। सॉरी मजाक की बात नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको। आपकी बात मजाक में लेने की गलती कर भी कैसे सकते हैं जॉन, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपने जिस फिल्म के लिए दिया है उसका प्रोमो है ही इतना बड़ा सीरियस मजाक। और वैसे भी जॉन के पास इसकी एक ठोस वजह भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पर्म डोनेशन इन अ फिल्म इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट्स वेरी यूनिक एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ केयर। आप यकीन नहीं करोगे, देयर आर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, देयर आर पुलिस ऑफिसर्स, देयर आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एचएनआईज जिसे कहते हैं, सब लोग स्पर्म्स डोनेट करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी में जो लोग हैं, स्पर्म डोनेट करते हैं। इसलिए करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप देयर स्पर्म्स असाइड, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि उन लोग बैटल फ्रंट से वापस आएंगे कि नहीं। लेकिन दोस्ताना जैसी फिल्म में काम करने के बाद विकी डोनर बनाने की जॉन की क्या स्ट्रैटेजी है, ये उन्हीं से जानते हैं। You know, homosexuality was treated in a very caricaturish manner till Dostana happened. Dostana gave it some amount of credibility to an extent. I think sperm donation, which is taboo for a lot of people, is going to be treated with a lot of credibility once this happens. वैसे इस इशू उप्स फिल्म को लेकर जितने एक्साइटेड जॉन हैं, उतने ही एक्साइटेड हैं आयुष्मान भी, जो फिल्म में सबको तथास्तु का आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। I have become a sperm donor. I'm a good for nothing baby wala. I'm unemployed. I'm a graduate from Bhagat Singh College, a below average student. I'm nothing to do in life. And suddenly, Dr. Chadda. तो कुछ ऐसा रहा विकी डोनर के फर्स्ट लुक लॉन्च का नजारा। उम्मीद करते हैं कि जॉन की पहली प्रोडक्शन वेंचर बिना किसी कंट्रोवर्सी के थिएटर्स में रिलीज हो जाए, क्योंकि प्रोमोज में जॉन ने कहां किसके लिए कंट्रोवर्सी खड़ी करने की जगह छोड़ी है, ये समझने वाले खुद समझ जाएंगे।